करते हैं। आगे बढ़ते हैं दंतेवाड़ा से खबर, जहां सिलगेर के बाद अब दंतेवाड़ा के नहाड़ी में कैंप का विरोध किया जा रहा है। बता दें दंतेवाड़ा के नहाड़ी में ग्रामीणों ने रैली निकालकर विरोध किया। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल दो विकास करो पर कैंप नहीं चाहिए। तो इससे पहले सिलगेर में ग्रामीणों ने सीआरपीएफ कैंप का विरोध किया था और एक बड़ा विरोध वहां देखने को मिला था, और अब दंतेवाड़ा में भी ग्रामीणों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि उन्हें कैंप नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल देकर विकास किया जाए, लेकिन सीआरपीएफ का कैंप वहां ना लगाया जाए। तो बता दें दंतेवाड़ा के नहाड़ी में ग्रामीणों ने रैली निकालकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कैंप नहीं चाहिए, स्कूल देकर एरिया का विकास किया जाए। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रशांत लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक तरह से कहा जाए सिलगेर में भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था, जहां ग्रामीणों ने सीआरपीएफ कैंप का विरोध किया था। अब दंतेवाड़ा से खबर मिल रही है, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर आपके पास? जी बिल्कुल शुभांगी, सिलगेर ही नहीं, जब भी नए कैंप कोई खुलते हैं तो उस दौरान ग्रामीणों का विरोध देखने को मिलता है और उस कैंप के सामने ग्रामीण इकट्ठा होकर विरोध करते हैं। और ऐसा ही कुछ मामला दंतेवाड़ा जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर नहाड़ी में सीआरपीएफ का नया कैंप खुल रहा है और उस कैंप को खुलने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण इकट्ठा होकर वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। और स्पष्ट रूप से ग्रामीणों की जो मांग है स्कूल खोला जाए, स्वास्थ्य अस्पताल खोला जाए, आंगनबाड़ी खोला जाए और विकास कार्य किए जाए, लेकिन कैंप किसी भी हालत में ना खुला जाए। कैंप खुलने से कहीं ना कहीं जो है ग्रामीणों को परेशानी होती है, इस बात का हवाला देते हुए ग्रामीण जो है लामबंद हुए हैं और इकट्ठा होकर रैली निकाल रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि अगर कैंप खुलता है और कैंप के लिए कोई आगे बात बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये विरोध जो है वो उग्र हो सकता है। और आंदोलन जिस तरीके से सिलगेर में आपने देखा कि लगभग एक महीने तक आंदोलन चला और एक महीने तक आंदोलन में हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुआ और कैंप का विरोध कर रहे थे, वैसा ही कुछ मामला आप जो है दंतेवाड़ा जिले के नहाड़ी में देखने को मिल रहा है, जहां पर कैंप खुल रहा है। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है, हाल ही में जो मुठभेड़ हुई थी बस्तर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में, वहां पर से जो दस्तावेज मिले थे, दस्तावेज में जो लिखा हुआ था कि नारे लिखे हुए थे, जो नारे सिलगेर में लग रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो वो स्पष्ट करता है कि जो नारे हैं वो नक्सली जो है वो ग्रामीणों को दे रहे हैं और नक्सली जो है वो ग्रामीणों को इस बात का विरोध करने के लिए, कैंप का विरोध करने के लिए जो है एकजुट कर रहे हैं। और इस बात को लेकर दंतेवाड़ा एसपी ने भी एक बयान जारी किया है कि नक्सलियों का ये प्रोपोगंडा है और नक्सली किसी प्रकार से नहीं चाहते कि उन इलाकों में कैंप खोला जाए जहां पर अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों की काफी फ्लाइट है और वहां पर नक्सलियों का मूवमेंट हमेशा रहता है। यही बड़ी वजह है कि वहां पर कैंप खोला जा रहा है ताकि नक्सलियों को बैठक पर भेजा जाए। लेकिन प्रशांत, पिछली बार एक टीम का गठन किया गया था जो ग्रामीणों को समझाइश देने के लिए पहुंची थी, तो इस बार भी क्या कुछ ऐसी तैयारी में प्रशासन है? क्योंकि ग्रामीणों को समझाइश पिछले बार भी दी गई थी जब एक टीम पहुंची थी, ग्रामीणों की समस्याएं जानी थी, उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई थी, तो क्या इस मामले में भी अब ऐसी कुछ तैयारी प्रशासन की ओर से? देखिए शुभांगी, ये शुरुआती विरोध है तो शुरुआती विरोध में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का ये प्रयास रहता है कि जो आला अधिकारी होते हैं वो आला अधिकारी वहां पर पहुंच कर ग्रामीणों को समझाइश दे और ये तो जो वास्तविक स्थिति बन सकती है कि कैंप खुलने के बाद नक्सलियों का आतंक कम हो सकता है, नक्सली वहां से भाग जाएंगे, तो ये सारी चीजों को जो है वहां पर आला अधिकारी जाकर समझाएंगे। उसके बाद जो है अगर वो ग्रामीण नहीं मानते तब स्थिति अगर बिगड़ती है तब जाकर जो है एक दल तैयार किया जाता है, लेकिन ये फिलहाल जो है शुरुआती चरण है विरोध का और जो ग्रामीणों के पहुंचने का। और अगर ये विरोध बढ़ता है और संख्या ज्यादा बढ़ती है ग्रामीणों की, ऐसी स्थिति में बिल्कुल कहा जा सकता है कि सरकार दल भी तैयार कर सकती है ताकि ग्रामीणों को वहां से समझा के भेजा जा सके। और सबसे अहम बात यह है इसमें शुभांगी की कोरोना काल है, अभी भी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और ग्रामीणों को देखा जाए तो ग्रामीण वहां पर कोई भी मास्क लगाकर नहीं पहुंचे। यही एक बड़ा कारण भी था सिलगेर के विरोध का जो है खत्म करने का कि वहां पर कोरोना फैल रहा है। ऐसी स्थिति में यहां भी कोरोना फैल सकता है, तो ये जो है प्रशासन के लिए चिंता का विषय बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल प्रशांत, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं सिलगेर जैसा मामला अब दंतेवाड़ा से भी सामने आया है, जहां नहाड़ी में कैंप का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि विकास किया जाए लेकिन कैंप ना लगाया जाए।